फरवरी को अपने जिगरे छोटे भाई राजीव कपूर को खो देने के बाद जिस तरह से रणधीर कपूर के लिए मुश्किलों का पहाड़ टूटा उनके सिर पर, क्योंकि चैम्बर में वो अकेले रह गए हैं अब रहने वाले, तो आपको बता दें कि कितना मुश्किल भरा है, कितना तकलीफ भरा है उनका पूरा का पूरा सफ़र, फिल्मों को लेकर, परिवार को लेकर, ज़िंदगी को लेकर और बीमारी को लेकर। जी हाँ, बुढ़ापे में जिन्हें प्रॉब्लम है, चलने में दिक्कत है, जिन्हें नर्व्स की दिक्कत है, जो दिन रात नर्व्स पर डिपेंडेंट हैं, नर्व्स के सहारे रहते हैं, वो रणधीर कपूर भी बॉलीवुड में एक ज़माने में सुपर हीरो हुआ करते थे। 74 वर्षीय रणधीर कपूर ने किस तरह से विवादों में अपना नाम घेरा था, आज उनकी ज़िंदगी के कई राज हम आपके बीच खोलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मैं आपकी होस्ट तृप्ति आपको बताना चाहूँगी हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। आज आपको कपूर ख़ानदान के एकमात्र, आज कपूर परिवार में रणधीर कपूर रह गए हैं, तीनों भाइयों में राज कपूर के बेटे जो कि बाकी परिवार में सबसे बुज़ुर्ग हैं। रणधीर कपूर ने कपूर ख़ानदान के सारे नियम तोड़ दिए थे। पहले बबीता कपूर से शादी कर ली थी और इसके लिए उन्होंने कैसे नियम तोड़े थे आपको हम बताना ज़रूर चाहेंगे। राज कपूर साहब के परिवार में रणधीर कपूर ने जिस तरह से नियम तोड़े थे, बबीता कपूर से शादी के लिए जिस तरह उन्होंने नियम तोड़े, लोग यकीन नहीं कर पाते हैं। आपको बता दें 74 साल के रणधीर कपूर अपना जन्मदिन भाई के खोने के बाद परिवार के बीच गेट टुगेदर पार्टी करते नज़र आए और मनाते नज़र आए। आज आपको बता दें कि पिछले साल अपने एक और भाई ऋषि को खोने के बाद राजीव छोटे भाई को बीते दिनों खोकर रणधीर ने इंटरव्यू में बताया वो कितने दुखी हैं, कितने अकेले पड़ गए हैं। पूरे करोड़ों के बंगले चैम्बर हाउस में वो अकेले रह गए हैं। उनकी ज़िंदगी भी उतार चढ़ाव आज से नहीं, हमेशा से रही है। अपने परिवार में लव मैरिज करने वाले राज कपूर के बेटे रणधीर पहले थे, जी हाँ, लेकिन लव मैरिज करने के बावजूद रणधीर कपूर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बबीता कपूर के साथ लव मैरिज करने के बावजूद शादीशुदा ज़िंदगी में सफलता नहीं असफलता बटोर कर काफ़ी दुखी रहे थे। जी हाँ, आपको शायद मालूम ना हो लेकिन बॉलीवुड में कपूर ख़ानदान की एक अलग पहचान है। अब बात शुरुआत से करते हैं। पृथ्वीराज कपूर, 40 के दशक से ही पृथ्वीराज कपूर बॉलीवुड में काम करने वाले ब्लैक एंड वाइट हिंदी सिनेमा के हीरो थे। अब पृथ्वीराज कपूर ने गौर हो तो मुगले आज़म फिल्म में काम किया था। मुगले आज़म फिल्म में पृथ्वीराज कपूर अकबर बने थे और उनका किरदार काफ़ी पसंद किया गया। अब उसी पृथ्वीराज कपूर के बेटे राज कपूर ने स्नोमैन बनकर लोगों का दिल जीता। राज कपूर को जोकर फिल्म से ज़बरदस्त पहचान मिली। अब आज इस पीढ़ी के अगर देखा जाए तो चौथे पीढ़ी रणबीर कपूर हैं। जी हाँ, पृथ्वीराज के बेटे राज कपूर ने बॉलीवुड में दबदबा बनाया। तीसरी पीढ़ी रणधीर कपूर की थी जो कि ज़बरदस्त तरीके से राज करते रहे। इसके बाद अब रणबीर कपूर की पीढ़ी है, रणधीर ऋषि और राजीव के बाद रणबीर की पीढ़ी चल रही है। लेकिन सितारे जब बॉलीवुड में छाप छोड़ते हैं काफ़ी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होता है। रणधीर ने बॉलीवुड में अच्छी फिल्में की लेकिन बहुत ज़्यादा समय तक फिल्मों में नहीं रहे। वो अपने छोटे भाई राजीव के गुजरने से रणधीर इस वक्त सबसे दुखी है और इस दुख से उभरने के लिए छोटी पार्टी उन्होंने की। परिवार वालों ने रणधीर के लिए पार्टी रखी क्योंकि रणधीर बहुत अकेले पड़ गए हैं और ऐसे में इस दुख की घड़ी में उन्हें दुख से दूर करने के लिए, उन्हें सदमे से बाहर लाने के लिए, खुश करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जा रहा।
अब तीन भाई में अकेले रह गए रणधीर कपूर के लिए सफर आसान नहीं है। भाई की यादें घर के हर कोने में उन्हें सता रही है। कपूर परिवार टूट कर बिखर गया है। आज बता दे, रणधीर कपूर अपनी पत्नी बबीता के साथ जन्मदिन सेलिब्रेट करते आप सभी को नजर तो जरूर आ रहे होंगे, लेकिन सच तो ये है कि रणधीर कपूर की पत्नी बबीता रणधीर के साथ रहती ही नहीं। प्रेम कहानी इनकी तो बहुत ज़बरदस्त थी। शर्मीले स्वभाव के एक्टर के तौर पर रणधीर ने बॉलीवुड में एंट्री की, लेकिन जब बबीता पर उनकी नज़र गई, पहली ही नज़र में फिदा हो गए थे रणधीर बबीता कपूर पर। इन दोनों की मुलाकात साल 1969 में फिल्म संगम के सेट पर हुई थी। जी हाँ, फिल्म में इन्होंने काम किया था साथ। रणधीर अपने पिता राज कपूर के साथ आए हुए थे। कहा जाता है कि रणधीर कपूर के लिए बहुत ज़्यादा खास था बबीता से पहली मुलाकात करना। जैसे जैसे शूटिंग शुरू होती रही, बबीता के और भी वो करीब आते रहे। धीरे धीरे इन दोनों को ही एक दूसरे से प्यार हो गया। सेट पर चोरी छुपके ये मिलने भी लगे। 2 साल इन्होंने एक दूसरे को डेट किया। साल 1971 में फिल्म कल आज और कल में साथ काम भी किया इन्होंने। रणधीर बबीता एक दूसरे से शादी करना चाहते थे तब। फिल्म के बाद एक दूसरे के लिए इन्होंने फैसला लिया कि हम साथ ही रहेंगे, लेकिन कपूर परिवार इनके सपोर्ट में खड़ा रहने के लिए तैयार नहीं था। कपूर परिवार में लव मैरिज उस जमाने में मानी नहीं जाती थी। फिर क्या, रणधीर ने शादी की जिद ही नहीं छोड़ी और किसी एक्ट्रेस से शादी ना की जाए ये कहा गया था रणधीर कपूर को। बबीता एक एक्ट्रेस थी, इसके लिए ही बबीता कपूर को रणधीर से शादी करने के लिए रुकावट सहनी पड़ी थी। शादी की मंजूरी बाद में मिल ही गई। राज कपूर ने शर्त फिर भी रखी कि बबीता को अपना फिल्मी करियर शादी के बाद छोड़ना ही पड़ेगा। बबीता कपूर ने परंपरा के मुताबिक शर्त को मानकर 6 नवंबर साल 1971 में शादी रचा ली और ये हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। दोनों की शादी धूमधाम से पंजाबी रीति रिवाजों के अनुसार कपूर रेजिडेंस में ही संपन्न हुई। बबीता ने कपूर परिवार की परंपरा के अनुसार एक्टिंग करियर से संन्यास ले लिया। शादीशुदा जिंदगी को अहमियत देकर बबीता साल 1974 में करिश्मा कपूर के जन्म के बाद मां बनी और फिर धीरे धीरे पटरी से रणधीर कपूर की करियर जब उतरने लगी तो रणधीर कपूर से बबीता अलग हो गई थी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।